सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। अगस्त मंथ के करंट अफेयर में देखिए हम 75 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद देखिए आप इस करंट अफेयर क्विज का प्रैक्टिस जो है वो क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पे कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ भी आप क्रेजी जीके ट्रिक ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कंदांगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो कंदांगी साड़ी जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध साड़ी है जिसे कपास से बनाया जाता है। तो कंदांगी साड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तमिलनाडु की प्रसिद्ध साड़ी है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार नामक पहल शुरू की है? किसने शुरू करी है? दिल्ली सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? डेंगू तथा चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए कार्य करना। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार ने सभी लोगों को हर रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने घर में इकट्ठा पानी को बदलने की गुजारिश करी है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो रुके हुए साफ पानी में पनपता है। ठीक है, तो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार नामक पहल दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। सुर्खियों में रहा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में देखिए लगातार दूसरे महीने फिर से विस्फोट देखने को मिला है। जुलाई में भी इसमें विस्फोट देखने को मिला था। स्ट्रोम्बोली जो है इटली में एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप में इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो स्थित है, जिसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं। तो किस देश से संबंधित है? ये इटली से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? देखिए हाल ही में अभी राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। खेल दिवस के दिन देखिए राष्ट्रपति द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो देखिए 2019 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो हाल ही में दिए गए हैं। चलिए एक बार उन पर अच्छे से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। और इस साल दो व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पहला देखिए किसे दिया गया है? पैरा एथलीट दीपा मलिक को और रेसलर बजरंग पुनिया को 2019 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दीपा मलिक जो है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। पिछले साल 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? भारतीय क्रिकेट टीम के देखिए कप्तान विराट कोहली और महिला रेसलर मीराबाई चानू को यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी अर्जुन पुरस्कार की। और इस साल 2019 में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ईजी आपके लिए याद रखना, 2019 चल रहा है तो 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब देखिए 19 खिलाड़ियों का नाम याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ सिलेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, आप उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तेजिंदर पाल सिंह तुर को एथलेटिक्स के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसी तरीके से देखिए रविंद्र जडेजा को क्रिकेट के क्षेत्र में, अजय ठाकुर को कबड्डी के क्षेत्र में, पूजा डांडा को कुश्ती के क्षेत्र में और स्वप्ना बर्मन को एथलेटिक्स के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाम जो मैंने आपको बताए हैं एटलीस्ट आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर बनेगा तो इनसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। तो ये पुरस्कार कोचों को खेल के क्षेत्र में जीवन भर योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इस साल देखिए किन किन को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, उसमें आप ध्यान रखिएगा रामवीर सिंह खोकर को कबड्डी के क्षेत्र में, देखिए विमल कुमार को बैडमिंटन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार जो है खेलकूद में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार का नाम जो है वो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पे रखा गया है। ठीक है, तो इस साल देखिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो किन्हें दिया गया है? मैनुअल फेड्रिक्स हॉकी के क्षेत्र में,
अनूप पासक टेबल टेनिस के क्षेत्र में, मनोज कुमार कुश्ती के क्षेत्र में, नितिन कीर्तने टेनिस के क्षेत्र में और सी लाल रेमसांगा को तीरंदाजी के क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 जो दिए गए हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलिए बात करते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए तेजिंदर पाल सिंह तूर को नहीं, बजरंग पूनिया को राजीव गांधी खेल रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है। साथ ही पैरा एथलीट दीपा मलिक को भी राजीव गांधी खेल रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? कौन बनी है? दीपा मलिक। अर्जुन पुरस्कार 2019 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 2019 में कुल 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही। यह पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन करने पर दिया जाता है, बिल्कुल सही। तेजिंदर पाल सिंह तूर, रविंद्र जडेजा को अर्जुन पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया, यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1971 में हुई थी, ये गलत है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। ओके, तो यहाँ पर डी कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मैनुअल फेड्रिक्स को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, बिल्कुल सही। पूनम यादव को अर्जुन पुरस्कार, ये भी सही है। विमल कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। पूजा ढांडा को राजीव गांधी खेल रत्न, गलत। डी वाला आंसर जो है वो सुमेलित नहीं है, पूजा ढांडा को अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही गजनवी मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो देखिए गजनवी मिसाइल का परीक्षण जो है हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। सतह से सतह तक मार कर सकने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है वो 290 किलोमीटर है। तो गजनवी मिसाइल का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? कौन बनी है? शालिजा धामी। शालिजा धामी जो है वो इंडियाज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट कमांडर बन गई है। फ्लाइट कमांडर का पद जो होता है वो फ्लाइट कमांडर यूनिट में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के महिला एकल का खिताब जीता है? किसने जीता है? देखिए भारतीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर मानसी जोशी ने स्विट्जरलैंड में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब जीता है। इस विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल देखिए 12 पदक जो है वो अपने नाम करे हैं। तो ध्यान रखिएगा BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के महिला एकल का खिताब जो है वो मानसी जोशी ने जीता है। शाहीन 8 संयुक्त सेन अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? किन दो देशों से है? पाकिस्तान और चीन से है। इस अभ्यास का आयोजन जो है वो लद्दाख के निकट चीन के होतान शहर में किया गया है। 2011 से चीन और पाकिस्तान जो है वो ये संयुक्त सेन अभ्यास जो है करते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना। तो शाहीन 8 का संबंध किससे है? पाकिस्तान और चीन से है। हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसान पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश ने? देखिए बहरीन देश ने। बहरीन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसान पुरस्कार से सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को यह सम्मान जो है भारत और बहरीन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया, वह थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य को देखिए 2004 में उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया था। DGP मतलब पुलिस महानिदेशक। इसी के साथ वे भारत की पहली महिला DGP बन गई थी। क्लियर। वे भारत की देखिए दूसरी महिला IPS अफसर भी हैं। पहली महिला IPS अफसर कौन थी? किरण बेदी थी। और दूसरी कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो देखिए ऑप्शन, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी, गलत। भारत की पहली महिला DGP थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, बिल्कुल सही। भारत की दूसरी महिला IPS अधिकारी थी, बिल्कुल सही। बी और सी दोनों कथन जो है वो सत्य होंगे, तो डी आंसर जो होगा वो सही होगा। डूरंट कप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता है? डूरंट कप 2019 का खिताब जो है पहली बार गोकुलम केरला FC ने जीता है। उन्होंने फाइनल में देखिए मोहन बगान को हराया है। और डूरंट कप जो है वो एशिया की सबसे पुरानी और विश्व की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ध्यान रखिएगा, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल क्लब ने सबसे ज्यादा बार डूरंट कप का खिताब जीता है, 16 बार। ठीक है, तो 2019 का खिताब किसने जीता है? गोकुलम केरला FC ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
45वें G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, G7 शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन कहां पर किया गया? फ्रांस के बियारिट्स शहर में। ए आंसर यहां पर सही होगा। इससे रिलेटेड देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। G7 दुनिया का 7 सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ठीक है, इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में हुई थी। उस समय ये 6 देशों का समूह था। ठीक है, उसके बाद अगले साल कनाडा जो है वो इसमें शामिल हुआ था 1976 में, तब ये G7 हो गया था, राइट। उसके बाद देखिए 1998 में इस समूह में रूस को भी शामिल कर लिया गया था, रूस को भी शामिल कर लिया गया था 1998 में। उसके बाद में ये G7 जो था वो G8 में कन्वर्ट हो गया था। फिर आगे चलकर देखिए 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़पने के बाद में रूस को G8 से अलग कर दिया गया था, तो वापस से ये क्या बन गया? G7 बन गया। ठीक है, तो हाल ही में देखिए 45वां G7 शिखर सम्मेलन जो है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के बियारिट्स शहर में आयोजित किया गया है, जिसमें फ्रांस की तरफ से भारत को भी आमंत्रित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? कनाडा बिल्कुल सदस्य है, रूस सदस्य नहीं है G7 का, 1998 में सदस्य बना था और 2014 में उसको निष्कासित कर दिया गया था, तो रूस जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। इटली और अमेरिका जो है वो G7 के सदस्य हैं। खिलाड़ी कोमालिका बरी किस खेल से संबंधित हैं? कोमालिका बरी ने देखिए हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है वो जीती है, और कोमालिका अंडर 18 वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की दूसरी तीरंदाज बन गई हैं। पहली कौन थी? दीपिका कुमारी थी, उन्होंने 2009 में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती थी, और दूसरी बार किसने जीता है? कोमालिका बरी ने जीता है, तो ये आर्चरी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का नया कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, राजीव गौबा को देश का नया कैबिनेट सचिव जो है वो नियुक्त किया गया। उन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रदीप कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। कैबिनेट सचिव जो होता है वो भारत सरकार में वरिष्ठ सिविल सर्वेंट होता है, देश का टॉप मोस्ट सरकारी अधिकारी होता है। ओके, कैबिनेट सचिवालय जो कि प्रधानमंत्री के अंडर आता है उसका कैबिनेट सचिव जो होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, और कैबिनेट सचिवालय का काम क्या होता है? जो बहुत सारे मंत्रालय हैं उनके बीच में तालमेल को बनाए रखना, अलग अलग मंत्रालयों के बीच में तालमेल को बनाए रखने का काम होता है कैबिनेट सचिवालय का, और उसी का प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, तो हाल ही में देश का नया कैबिनेट सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो हाल ही में देखिए अभी अजय कुमार को भारत का रक्षा सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, रक्षा मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है रक्षा सचिव। देखिए, रक्षा विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये जो होता है ये 3 सर्विसेज से डील करता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट का हेड जो होता है वो कौन होता है? डिफेंस सेक्रेटरी, मतलब रक्षा सचिव होता है। क्लियर, तो किसे बनाया गया है? अजय कुमार को भारत का रक्षा सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सरल सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, सरल सूचकांक जो है ये सूचकांक का उद्देश्य क्या है? रूफ टॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। हाल ही में देखिए इस सूचकांक में कर्नाटक राज्य को पहला स्थान जो है वो दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो देखिए उससे रिलेटेड सरल का पूरा नाम है स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, बिल्कुल सही। इस सूचकांक का उद्देश्य रूफ टॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही। सूचकांक में कर्नाटक राज्य को पहला स्थान दिया गया, ये भी पॉइंट सही है, तो उपयुक्त सभी जो है वो सही होंगे, डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द डायरी ऑफ मनु गांधी के अनुवादक हैं। देखिए, इस पुस्तक को वास्तविक रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था, और इसका अनुवाद जो है वो किसने करा है? त्रिदीप सुहद ने करा है। ट्रांसलेट किसने करा है? त्रिदीप सुहद ने करा है। मनु गांधी जो थी वो महात्मा गांधी जी के भतीजे की पुत्री थी, और इस पुस्तक में मनु गांधी और महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन है अनुवादक इसके? त्रिदीप सुहद हैं। दोग्दो द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है? किन देशों के बीच विवाद चल रहा है? दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में। देखिए, 1910 में जापान ने कोरिया पर अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित किया था सबसे पहले। उसके बाद 1945 में कोरिया से जापान का शासन जब समाप्त हुआ तो उसके बाद दोग्दो द्वीप पर दक्षिण कोरिया का नियंत्रण हो गया, पर जापान जो है इस द्वीप को अपना भाग मानता है।
इसीलिए दोनों देशों के बीच में जो विवाद जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो दोग्दो द्वीप जो है वो किससे संबंधित है, देखिए दक्षिण कोरिया और जापान से संबंधित है। इन दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसने जीता है स्वर्ण पदक? पीवी सिंधु ने जीता है। भारत की स्टार खिलाड़ी और ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बसेल में आयोजित फाइनल मैच में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया है और स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सिंधु लगातार 3 बार से वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रही थी, 2017, 2018 और 2019। 2017 और 18 में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था और 2019 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसी के साथ सिंधु जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाली वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली भारतीय खिलाड़ी और पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, 2016 में सिंधु को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला है? किस देश के, देखिए सूडान के प्रधानमंत्री का कार्यभार जो है वो संभाला है अब्दुल्ला हमदोक ने। तो बी आंसर, सूडान के देखिए वो 15वें प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्ला हमदोक। हाल ही में नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसने लॉन्च कराए, तो नीति आयोग ने कराए। ठीक है, और इस इंडेक्स में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात को पहला स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार गुजरात को पहला स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनका जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट जो है वो 2016-17 में सबसे अच्छा रहा है। साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा, देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए इस बार जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। ओके, जिन्होंने अभी देखिए जल शक्ति अभियान जो है हाल ही में लॉन्च भी किया है। तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड पहला स्थान पर कौन है? गुजरात है। इनमें से किस देश ने फेडोर नामक रोबोट अंतरिक्ष में भेजा है? किस देश ने भेजा है? रशिया ने। रशिया ने देखिए अपना पहला रोबोट जो है फेडोर उसे अंतरिक्ष में भेजा है। ये रोबोट जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग लेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? तो देखिए जो पृथ्वी है उसकी कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उपग्रह वो स्थित हैं जो कि 92 मिनट्स में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो इसी स्टेशन में जो रोबोट है फेडोर वो 10 दिन की ट्रेनिंग लेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि जैसे कि इंडिया में जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। अमेरिका में देखिए उसका नाम क्या है? नासा है। वैसे ही रशिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, रॉस कॉस्मोस। कौन सी है दोस्तों? रॉस कॉस्मोस रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे भी बन सकता है। हाल ही में किस संगठन ने क्वालिटी अनोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट जारी करी है? किसने जारी करी है? देखिए विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी करा है और इस रिपोर्ट में बैक्टीरिया प्लास्टिक के कारण जल की गुणवत्ता खराब होने पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जल की खराब गुणवत्ता में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जल की खराब गुणवत्ता में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। अब ये नाइट्रोजन जो है ये जल में कैसे पहुंचती है? कृषि के दौरान जो उपयोग होते हैं उर्वरक उनसे ये जल स्रोतों में पहुंच जाती है नाइट्रोजन, उसी के कारण जो जल की गुणवत्ता है वो खराब होती है। ठीक है, तो हाल ही में विश्व बैंक ने क्वालिटी अनोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। हाल ही में बाबूलाल गौर का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का हाल ही में निधन हो गया। 2004 से लेकर 2005 के बीच में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो बी आंसर, इनमें से कौन अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार करने वाला पहला एशियाई तैराक बना है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अमेरिका में 42 किलोमीटर लंबे कैटलिना चैनल को पार करके नया इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो एशिया के पहले और दिव्यांग तैराक बन गए। कौन? सत्येंद्र सिंह लोहिया। डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्हें देखिए वहां पर संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है।
ये सम्मान जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें दिया गया है। मोहम्मद जहूर खयाम का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? मोहम्मद जहूर खयाम को देखिए खयाम नाम से भी जाना जाता था, भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीतकार थे प्रसिद्ध। कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो मोहम्मद जहूर खयाम का निधन हो गया, प्रसिद्ध संगीतकार थे भारत के। हाल ही में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, 3 बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखिए 19 अगस्त को हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो मनाया जाता है, फोटोग्राफरों को फोटोग्राफी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से। देश के पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CICET की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? देखिए गुजरात राज्य में की जाएगी। इसकी घोषणा देखिए हाल ही में अभी राज्य रसायन व उर्वरक मंत्री द्वारा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? रसायन उद्योगों को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना या तो सूरत में की जाएगी या फिर अहमदाबाद में की जाएगी। तो देश के पहले CICET की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उत्सर्जन करने वाला देश है कौन है? भारत है। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र जो है भारत के दो राज्य वो सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करते हैं। SO2 क्या है? एक तीव्र गंध वाली देखिए विषैली गैस है जो कई तरह की इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज होती हैं। तो SO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन किस क्षेत्र में किया गया? तो देखिए आदि महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? लेह लद्दाख क्षेत्र में किया गया। जम्मू कश्मीर से देखिए धारा 370 हटने के बाद वहाँ के लद्दाखी आदिवासियों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए 9 दिवसीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वहाँ पर देखिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उद्यमी बनाना वहाँ के लोगों को। तो आदि महोत्सव का आयोजन किस क्षेत्र में किया गया? लेह लद्दाख क्षेत्र में किया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम? सत्यपाल मलिक हैं। ओके, वर्ष 2019 का तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। सबसे पहला तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया 2019 में? इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान को दिया गया। ओके, उन्हें यह सम्मान जो है विज्ञान व तकनीक को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस्क बैंक विश्व का पहला नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू करने वाला बैंक बना, यह किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? देखिए डेनमार्क में स्थित है। डेनमार्क का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक ने हाल ही में नकारात्मक ब्याज दर मतलब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को शुरू किया है। मतलब ये बैंक जो है वो अपने कस्टमर को बैंक होम लोन लेने पर 0.5% का ब्याज इंटरेस्ट जो है वो प्रदान करेगा। ओके, तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू करने वाला बैंक जो है विश्व का पहला कौन सा बना है? डेनमार्क का जिस्क बैंक, राइट। इसका उद्देश्य क्या है? डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस म्यूजियम हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? कहाँ पर खोला गया है? देखिए हैदराबाद में खोला गया है इसरो की मदद से। और इस संग्रहालय में GSLV MK3, MK2, PSLV, चंद्रयान 1, आर्यभट्ट, रोहिणी जैसे मॉडल जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस म्यूजियम जो है, पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय जो है वो कहाँ पर खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। पुस्तक कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड के लेखक हैं कौन है? मारूफ रजा और इकबाल चंद्र मल्होत्रा, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक में कश्मीर की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट की कंडीशन तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो किसने लिखा है? मारूफ रजा और इकबाल चंद्र मल्होत्रा ने, कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड। FIM मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है? कौन बनी है? देखिए कर्नाटक की ऐश्वर्या पिसई। ऐश्वर्या पिसई जो है वो मोटर स्पोर्ट में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? हंगरी में आयोजित की गई थी। ठीक है, ऐश्वर्या पिसई ने मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है हाल ही में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस राज्य सरकार ने? झारखंड राज्य सरकार ने। उपराष्ट्रपति MK वेंकैया नायडू ने झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है वो लॉन्च की है। इस योजना के तहत
खरीफ फसल के लिए प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 5,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का संबंध जो है वो झारखंड से है। श्रीदेवी के जीवन पर आधारित पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक हैं, कौन है? सत्यार्थ नायक। सत्यार्थ नायक ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में श्रीदेवी के जीवन का वर्णन किया गया है। अक्टूबर 2019 में ये पुस्तक जो है प्रकाशित की जाएगी। हाल ही में पलानी मंदिर के पंच तीर्थम प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के पलानी मंदिर के पंच तीर्थम प्रसाद को GI टैग जो है वो दिया गया है। ठीक है, और ये जो प्रसाद है वो किससे मिलकर बनता है? घी, इलायची, केला, गुड़, शहद, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसे GI टैग जो है वो दिया गया है। GI टैग देखिए क्या है, उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। GI टैग पहले भी हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस भारतीय को गिनी देश के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। बी आंसर। यह सम्मान जो है उन्हें भारत और गिनी के बीच विकास और संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है। गिनी देश जो है वो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जिसे हिंदी में बोला जाता है अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र, के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर जो है उसकी स्थापना हाल ही में इसरो द्वारा की गई है। कहाँ पर की गई है? बेंगलोर में। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में जो कचरा फैला हुआ है उससे भारतीय उपग्रहों को बचाना, राइट? वर्तमान में इसरो के 50 से ज़्यादा जो है वो उपग्रह अंतरिक्ष में कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है बेंगलोर में। देखिए, इससे रिलेटेड पॉइंट, इस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला इसरो ने रखी है, बिल्कुल सही। इस सेंटर का उद्देश्य अंतरिक्ष में फैले कचरे से भारतीय उपग्रह को बचाना है, बिल्कुल सही। इस सेंटर की आधारशिला बेंगलोर में रखी गई है, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किस महिला पहलवान ने 2019 पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता के 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने 2019 पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता के 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तबिलीज ग्रैंड प्रिक्स 2019 में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान हैं, कौन है? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने अपना टाइटल जो है वो डिफेंड कराए। 2018 में भी 65 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2019 में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 रेसलर हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इस दिवस की बनाने की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व जनजाति दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजाति लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। भारत और पाकिस्तान ने लाहौर अटारी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया। ये ट्रेन सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए, भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने लाहौर अटारी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। ठीक है, इस ट्रेन सेवा की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1976 में हुई थी, शिमला समझौता के तहत, जिसे हाल ही में देखिए अभी बंद कर दिया गया है स्थायी रूप से। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में सुषमा स्वराज का निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बीजेपी की काफी प्रसिद्ध नेता सुषमा स्वराज का हाल ही में अभी निधन हो गया, उनसे रिलेटेड देखिए पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, बिल्कुल सही। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला पूर्णकालीन विदेश मंत्री रही, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। देखिए, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2019 तक सुषमा स्वराज जो है वो भारत की पहली पूर्णकालीन विदेश मंत्री रही है। इनसे पहले इंदिरा गांधी भी विदेश मंत्री रही है, पर वो प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश मंत्री रही है, मतलब कार्यकारी विदेश मंत्री रही है। ओके, पूर्णकालीन विदेश मंत्री जो रही है वो कौन रही है? सुषमा स्वराज रही है। सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ था, बिल्कुल सही।
सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री रही हैं, ये कथन असत्य है। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन रही है? निर्मला सीतारमण रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी कथन जो है वो असत्य है। ध्यान रखिएगा, सुषमा स्वराज जो है वो 7 बार सांसद और 3 बार MLA भी रह चुकी थी। अमेजन वन क्षेत्र में लगी आंख हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में रही। अमेजन वन क्षेत्र स्थित है, तो देखिए अमेजन वन क्षेत्र जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जहां पर लगी आंख हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में रही। ये वन क्षेत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र है। ये वन क्षेत्र जो है पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन जो है वो पैदा करता है। तो कहां पर स्थित है ये वन क्षेत्र? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने किस शहर में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना की है? किस शहर में करिए? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना करिए। वह भारतीय पत्रकार जिन्हें वर्ष 2019 रेमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? देखिए रविश कुमार को, पत्रकार रविश कुमार को वर्ष 2019 रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा जो है वो 2 अगस्त को की गई थी और इस साल 5 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक है भारत के रविश कुमार, पत्रकार रविश कुमार को सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में देखिए अभी 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार जो है वो विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना दोनों को दिया गया है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कथन जो है वो सत्य होंगे, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो घोषित किया गया है। 20 अगस्त को हर साल भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को हर साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो सी आंसर। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस चक्र से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है। पहला कौन सा होता है? परमवीर चक्र। सेकंड होता है महावीर चक्र, उसके बाद आता है वीर चक्र। ठीक है, तो हाल ही में अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जो है समुद्र और वायु में दुश्मनों के साथ बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले योद्धाओं को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2019 में देश ने 15 अगस्त को कौन सा वा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर तीनों सेनाओं के ऊपर एक प्रमुख पद बनाने की घोषणा की है, वह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की घोषणा करिए, CDS एक नया पद बनाने की घोषणा करिए तीनों सेनाओं के ऊपर। ये CDS जो होगा वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा और इसका उद्देश्य क्या है? सेनाओं को और मजबूती प्रदान करना और उनके बीच में बेहतर तालमेल बनाए रखना। ठीक है, तो ए आंसर। हाल ही में BJP के प्रमुख नेता अरुण जेटली का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए अरुण जेटली जी का हाल ही में अभी निधन हो गया, इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन देखिए इससे बाहर नहीं जाएगा। वे भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, बिल्कुल सही, अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान 2014 से लेकर 19 तक भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। GST परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे, बिल्कुल सही। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान GST परिषद की स्थापना हुई थी, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। वे भारत के रक्षा मंत्री रहे, बिल्कुल सही। देखिए मई 2014 से नवंबर 2014 तक वो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। अरुण जेटली आम चुनाव 2014 में अमृतसर से चुनाव जीते थे, ये कथन गलत है। अरुण जेटली जो लोकसभा 2014 में चुनाव हुआ था उसमें अमृतसर से चुनाव हार गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी कथन जो है वो असत्य है, डी वाला आंसर सही होगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम से किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? किस स्टेडियम का नाम बदलकर? फिरोज शाह कोटला दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? अरुण जेटली। उन्होंने देखिए राज्यसभा में जब नेता विपक्ष थे वो, तब उन्होंने जो भाषण दिए थे उन भाषणों का संकलन जो है वो इस पुस्तक में कराए, अंधेरे से उजाले की ओर, अरुण जेटली इसके लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने 200 यूनिट बिजली की खपत पर शून्य बिल की योजना जो है वो घोषित करी है? किसने करी है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है,
अगर कोई व्यक्ति 200 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत अगर करता है तो हर महीने उसे शून्य बिल जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर उसको कोई भी बिल जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य ने अवैध रूप से भारत में आकर बस रहे लोगों की पहचान हेतु NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की अंतिम सूची जारी करी है? किसने जारी करी है? असम राज्य ने NRC की अंतिम सूची जारी करी है। इसके तहत 3,11,00,000 लोगों को इसमें शामिल किया गया है, जबकि 19 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इस सूची के बाद असम निवासियों को ये पता चलेगा कि वह भारत के नागरिक है या नहीं है। ठीक है, तो हाल ही में असम राज्य ने NRC की अंतिम सूची जो है वो जारी करी है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है वो भारत में आकर बस रहे थे, तो उसे रोकने के लिए ही असम राज्य ने NRC की अंतिम सूची जो है वो जारी करी है। पुस्तक शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर के लेखक हैं कौन है? मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में उन्होंने शिक्षा मंत्री होने का अर्थ क्या है ये बताया है। साथ ही उन्होंने इस पुस्तक में अपने अनुभवों और दिल्ली की शिक्षा में आई क्रांति को एक्सप्लेन करा है। तो शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर के लेखक कौन है? मनीष सिसोदिया हैं। हाल ही में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी अमेजोन ने अपने सबसे बड़े कैंपस का उद्घाटन भारत में किस स्थान पर किया है? देखिए, अमेजोन जो कंपनी है ये USA की ई कॉमर्स कंपनी है जिसने दुनिया में अपने सबसे बड़े कैंपस का उद्घाटन भारत में किया है। कहाँ पर कराए हैं? हैदराबाद में। ओके, अमेजोन की स्थापना किसने करी थी? उसके संस्थापक कौन है? जेफ बोजेस हैं। 1994 में अमेजोन की स्थापना करी थी उन्होंने। और ध्यान रखिएगा, जेफ बोजेस जो हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास जो संपत्ति है वो $131 बिलियन हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमेजन के सबसे बड़े कैंपस का उद्घाटन भारत में हैदराबाद में किया गया है। आगे देखिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक्टिविटी जो है अगस्त मंथ में हमको देखने को मिली थी। ओके, तो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इससे देखिए रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन हम कवर करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। जम्मू एंड कश्मीर राज्य को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर, देखिए, राज्य पुनर्गठन बिल के फलस्वरूप जम्मू एंड कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ए आंसर। अनुच्छेद 35A को संविधान में कब शामिल किया गया था? अनुच्छेद 35A को देखिए राष्ट्रपति आदेश से 1954 में शामिल किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान के लिए यह आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था। तो कब शामिल किया गया था? 1954 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पारित होने के बाद देश में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 7 अभी है और दो केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ जाएंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो यहां पर 9। संविधान का अनुच्छेद 35A संबंधित था, किससे संबंधित था? देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान से संबंधित था। बी आंसर। राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? अमित शाह ने पेश किया था, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पेश किया था। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर हमारे अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बड़ी ध्यान से वीडियो देखा होगा। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने देखिए कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। पुराने करंट अफेयर की भी आप टाइमली प्रैक्टिस करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।